जौहार सभी ददन के, अब कितना झूठ बोली हो तोनी से कि कब एग्जाम हो, तो अब वीडियो बनाओ कि मन ना कर रहा लो। मतलब झारखंड के छात्रों को झारखंड सरकार बेवकूफ बना के रख दिया, बेवकूफ समझता है। बिन पेंदी का लोटा हो वो ना वैसन कि जैसन चाहे तैसन मोड़ देवे। आज से ना कि जैसे सीजल के एग्जाम अब होता अब होता अब होता, एकर में कितना छात्र प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहा है। अब हमर घरा के बगल में एक जीता जादा एग्जाम्पल, हम चीज़ों के खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब अक्टूबर से दिसंबर में इस एग्ज़ाम को शिफ्ट किया गया कि अक्टूबर से लेकर अब 16 से 17 तारीख को अब ये एग्ज़ाम होगा, तब हमारे बगल में एक भैया हैं जो अपन जॉब के छोड़ छाड़ के 2 महीने के लिए तैयारी करे बैठ गए एसएससीजल के, कि इस बार हम तैयारी कर पर इस बार कुछ हो जीते। और वह जॉब से जो अपन काम करोले, जो नौकरी करोले, ओकर से अपन परिवार के भरण पोषण करोले, और तब तक के लिए वो कुछ जो पैसा सेविंग करके रख ले, तब 2 महीने के लिए चल हम बोल 2 महीने 16-17 तारीख के एग्जाम हो जीते। अब जब तक जो पैसा बचा कर रखें और जो कुछ नहीं होगा तो लोन लेके हम अपने फैमिली के भरण पोषण करवे, लेकिन एग्जाम की तैयारी करवे। लेकिन अब एग्जाम डेट पे डेट पे डेट पे तारीख पे तारीख, वह साल नहीं देवल वाला डोलकवा की तारीख पे तारीख, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है। झूठ बोले से भी अब हमारा बहुत खराब लग रहा है। अब कब तक हम बताइए कि अगला एग्जाम कब है, तो लेकिन ये हमारा काम हो कि अपडेट देना हो, बड़ी तकलीफ हो रहा है। और खुदे जॉब छोड़ के अच्छा खासा कि सीजीएल की तैयारी और अगर फैमिली की जीवनी चलना मुश्किल है, और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम की इंतज़ार कर रहा है। और ये एक एग्जाम्पल है, झारखंड में ऐसा कितना दादा होता है, कितना हमारे बहन होती जो इस चीज़ के झेल रहा होते कि अब एग्ज़ाम होते हैं, जिससे सीजीएल एक मिनी जीपीएससी के तौर पर लिया जाता है इसको, कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है और झारखंड सरकार इतने बड़े एग्ज़ाम को, मतलब झारखंड सरकार के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना टाइम के बावजूद झारखंड सीजीएल को वो कंडक्ट करा पाए। अब एक नया बहाना हमारा चेयरमैन सब दल का है ना, नया बहाना, बहाना की हो 16-17 तारीख तो एग्जाम होने वाला ही ना हो, कब एग्जाम होता उसके बारे में। तो अब यदि 3 गो पॉइंट आप तो नहीं देख रहा ली, 3 पॉइंट के हम डील करबो, बड़ी तकलीफ हो रहा भाई। 16-17 तारीख के एग्जाम तो होते ही ना, ये तो कंफर्म हो गया। आज 11 दिसंबर भेज लो, 11 दिसंबर में ना तो इसका रिजेक्शन लिस्ट के पता हो, ना तो एडमिट कार्ड के पता हो, ये तो कंफर्म हो गया कि 16-17 तारीख के एग्जाम होते ना। अब हमारे जैसे जैसे चेयरमैन हो वो एगो अपडेट दे हो है ना, कौन सी कारण दे वो परीक्षा ना हो कि वो कारण ये देता है कि अब एजेंसी तैयार नहीं, एजेंसी 2 महीने का और टाइम मांग रहा है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अरे हमारे बगल के यहाँ पे बगल के जो अपन राय जो देख ले जी, बीपीएससी के इतना बड़ा एग्जाम करवा के, टीचर के इतना बड़ा एग्जाम करवा के दू पर करवा दे रहा है। एक बार तो नियुक्ति दे भी दल गए 1,20,000 छात्रों को, नियुक्ति पत्र बांट के फिर एग्जाम करवा के फिर दे दल गए, एग्जाम करवा के फिर आंसर की भी जारी कर दल गए। कर से कुछ सीख, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा हुआ है, इतना बड़ा छात्र है ओकर पास आओ थे, इतना बड़ा कैंडिडेट हुआ है, तो एक 6 लाख छात्र, 6 से 6.5 लाख छात्र फॉर्म के भर ले हो, इतना 20-20 लाख आदमी के जे छात्र आवेदन दबो थे ओकर एग्जाम हो जाए, और यह मात्र 6 लाख में ओकर तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाऊँ, तो ये कितना बड़ा निष्क्रियता, कितना बड़ा लापरवाही दर्शाओ झारखंड के। हम लोग अब एजेंसी पे थोप दे रहे थे कि एजेंसी तैयार रहा, 2 महीने का और टाइम मांग रहा एग्जाम करवा रहे, तो झारखंड सरकार तू कर कौन चे रहा ली, आयोग कोची कर रहा लो, अकर के लिए तो नहीं कौन चीज सोच रहा है छात्रों को, मतलब तो आप लोग समझ क्या रखे हैं। अब एक नया अपडेट कि अब एग्जाम कब होता है अगर कोई अता पता ना, 2 महीना का टाइम, अब 2 महीना कितना हो गया, तो 2 महीना के बाद फिर अगर जनवरी फरवरी में एग्जाम, लास्ट जनवरी और फरवरी का स्टार्टिंग में ना होता, फिर आचार संहिता लागू होता मार्च में, फिर एग्जाम चुनाव हो लोकसभा के, मतलब कब तो नहीं एग्जाम करेगी। जे लोन ले लेकर कर बाहर में पढ़ रहा है ओकर तो नहीं साथे, तो तुम खिलवाड़ कर दे लोग, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दे रहा है आप लोग, कर दे रहे हैं आप लोग, जिंदगी को झंड बना कर रख दिए हैं। थोड़ा सा छात्रों को दर्द को समझिए, आप लोग जो एक कदम अगर कुछ भी करेंगे तो उस चीज से छात्र कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं इसके बारे में थोड़ा सोचिए।
जिससे रिजल्ट होगा, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मिनी जेपीएससी, हम लोग जेपीएससी के तौर पे इसको लेते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम है। और इस एग्जाम को आप लोग ढंग से नहीं करवा पाते हो, और अगर जैसे तैसे करवा दोगे तो वही धांधली होगा, कॉल रिकॉर्डिंग पे बातें लीक होगी, इतना में बिग गलो सीट सेटिंग गेटिंग तो चलते आ रहा झारखंड में, अभी तक रुकल ना। तो टोनी के पास कुछ ना हो अभी तक, इतना सारा इतना झारखंड के अलग में 23 साल बीत गया, अभी तक तो कुछ सुधार ना कर लें टोनी। अब छात्रों को क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अब छात्र क्या करें। छात्र तो परेशान है, उनके जीवन में तो जीवन को जो इन लोगों ने खिलवाड़ बना कर रखा है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन झारखंड सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। वो तो मगन है अपने अबुआ आवास और आपके सवार आपके सर आपके द्वार पे, आपका सरकार आपका द्वार पे करने में, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जाति आवासीय बांट दे है मंच पे कि जाति आवासीय बांटल गलत, कोई मतलब है मतलब हुआ है। दो चार गो छात्रों को खड़ा करके अपडेट करके कि हाँ तोरा ई मिल लो, साइकिल मिल लो, ई मिल लो, ऊ मिल लो, बोला हाँ बोल सरकार काम कर रहा है, अबुआ आवास, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। जे झारखंड के जे युवा खाए के लिए मर रहा है, ओकर के लिए तुम कुछ कर रहा है, बड़ी तकलीफ हो रहा है दोस्तों। अब छात्रों को क्या करना चाहिए, तो ये हाई टाइम है, अब देखिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे लिए आपके थाली में कोई और खाना परोसेगा तो आप गलत हैं। अगर आपको प्यास लगा है तो कुआं के पास आपको ही जाना पड़ेगा। सब छात्रों को ये जो महारैली निकाला गया है, ये आयोजन किया गया है 15 दिसंबर को, सबको आइए साथ में और एकजुटता के साथ सरकार पे हाथ धावा बोलिए, ताकि कुछ हो। क्योंकि यहाँ झारखंड का यहाँ पे इतिहास रहा है कि बिना प्रोटेस्ट बिना विरोध का कुछ चीज़ हुआ ही नहीं है। तब आपको आना पड़ेगा, आपको कोई आप अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे लिए कोई और विरोध कर रहा है, और कोई विरोध कर रहा है, हम क्यों करेंगे, है ना, कोई और आपके लिए कुछ करके देगा, तो आप गलत हैं, है ना, आप गलत चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। और ये तो पूरा झारखंड को लूट रहे हैं, झारखंड के छात्रों को मार रहे हैं जीते जी। अब आपको आगे आना होगा, झारखंड युवा को आगे आना होगा, युवा आवाज़ है, झारखंड सरकार का भविष्य का आवाज़ है, झारखंड का भविष्य का आवाज़ है। आपको आइए आगे और हाथ को मजबूत करिए और सरकार को घेरिए, तभी आपको कुछ होगा। हाथ पे हाथ धरे रखने पे कुछ नहीं होने वाला है। तो सभी से एक बार निवेदन हो कि 15 तारीख के जो महा रैली रखल गए हो, सबको आइए और साथ में मिलकर आवाज उठाते हैं ताकि कुछ हो। सो धन्यवाद। एक बार फिर से एग्जाम कब होना हो ये तो एक बार फिर से, अब तो आपको एक या दो दिन में तो पता चल ही, तो अपरिहार्य कारणों से आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा एक या दो दिन में। आज 11 तारीख और 12-13 तारीख तक का तरह नोटिफिकेशन देखने, शायद 11 के शाम के ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कि अपरिहार्य कारणों से एग्जाम को स्थगित किया जाता है। सो धन्यवाद, जवाहर सभी ददन के, एक बार फिर से जय हिंद। और अपन तैयारी में लगल रहो, अब इतना दिन जब तनिक कष्ट कर ले तो चल कुछ दिन और ही सही, कुछ दिन और लोन लान लेके अपन काम चलाओ, बहुत तकलीफ हो रहा लो। जोहार साथियों।